दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदनलाल आजाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 17 फरवरी 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से कुछ खास खबर आपको बताने के लिए और विशेष बात आप सबके साथ करने के लिए। पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे। जिन साथियों ने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मेरे वीडियो संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे, लाइक और कमेंट भी कर देंगे। ये काम जरूरी है दोस्तों, याद से कर लेना। इसमें लापरवाही बरतोगे तो निश्चित रूप से नुकसान में रहोगे, पहले से ही ठगे हुए हो और ज्यादा ठगे जाओगे। इसलिए सत्य को जानने के लिए, अपने भुगतान की सरल विधि जानने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो संदेश को शेयर अवश्य करें। और जो धूर्त और मूर्ख आपको दिन रात भ्रमित करते रहते हैं उनके बहकावे में ना आए, अन्यथा बहुत पछताना पड़ेगा आपको। आप 7 जन्म लेकर के भी अपनी मेहनत की कमाई को वापस प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आपके पास केवल और केवल एक ही मार्ग है अपनी मेहनत की डूब चुकी जमा पूंजी को वापस पाने का, और वो है भुगतान की गारंटी का अधिकार अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019। जो लोग इस कानून का ठीक से प्रयोग करेंगे निश्चित रूप से उनका पैसा मिल जाएगा, और जो इस कानून का प्रयोग नहीं करेंगे, बहकावे में आकर भ्रमित होकर जल्दबाजी में दूसरे रास्तों पर चले जाएंगे, उनका भुगतान नहीं होगा। कुछ धूर्त एक खबर को बहुत वायरल कर रहे हैं, अलीगढ़ के मंडल आयुक्त के एक आदेश को कि साहब उन्होंने बाट्स एक्ट के तहत दावा खारिज कर दिया पीएसीएल पल्स के एक विक्टिम का, इसलिए कोई कंपनी का भुगतान इस कानून के अंतर्गत नहीं होगा। साथियों जो पिटिशनर थे उस मामले में अलीगढ़ मंडल आयुक्त चूंकि सक्षम अधिकारी हैं बाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कई जिलों के, तो उस पिटिशन में जो उन्होंने तथ्य दिए वो समुचित रूप से नहीं दिए, और उन्होंने अपने मामले को 2015, 17 और 14 से पहले का बता दिया। जबकि तथ्य यह है कि जब तक आपका भुगतान नहीं हो जाता तब तक वो मामला तब तक का है जिस दिन आप शिकायत कर रहे हैं। तो जिन साथियों के मामले इस तरह के हैं जो इस ग्राउंड पर खारिज ना हो, उनको चाहिए कि वो अपनी अपनी FIR कंपनीज के खिलाफ दर्ज कराएं जरूर। FIR की कोई पाबंदी नहीं होती है कि आप 10 साल बाद कराते हैं या 20 साल बाद या साथ के साथ। FIR आप तब तक करा सकते हो, ये आपका राइट है, जब तक आपका पैसा आपको समुचित रूप में वापस नहीं मिल जाता, समुचित मात्रा में। क्योंकि अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, 12 मार्च तक मैं ज्यादा लंबे वीडियोज नहीं बना पाऊंगा ना विस्तार से आपको समझा पाऊंगा। जल्दी जल्दी में कुछ शब्द कुछ वीडियोज बन जाया करेंगे, उन्हीं को सुनना है। 12 मार्च के बाद तो मैं खुद लंबा वीडियो भी बनाऊंगा, और वीडियो से ज्यादा जरूरी ये करूंगा कि मैं खुद व्हाट्सएप 2019 के तहत उन तमाम लोगों के केस फाइल करूंगा जिनके मोटे मोटे अमाउंट PACL पल्स या सहारा समूह या रोज वैली या पिनकोन या बाइक बोट या हेलो टैक्सी या कल्प तरु जैसी ठग कंपनीज में या आदर्श नवजीवन संजीवन समृद्धा जीवन जैसी ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंसे हुए हैं। किसी का 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ तक भी लोगों का अमाउंट FDs वगैरह के नाम पर इन कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में फंसा हुआ है, तो ऐसे साथियों के केस चूंकि वो इंडिविजुअल फाइल होने हैं, प्रॉपर वे में फाइल होने हैं, तो उनकी FIR करवाना और उनके भुगतान का क्लेम फाइल करवाना ये मैं स्वयं अपने हाथों में लूंगा। चाहे वो देश के किसी भी कोने के हों, मैं आऊंगा और गारंटी के साथ बताता हूं कि आपको बट्स एक्ट के अंतर्गत ही 180 दिन में आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा वापस दिलवाएंगे। गारंटी के साथ इस बात की गारंटी लेंगे, लिखित गारंटी, लिखित एग्रीमेंट अपने क्लाइंट्स के साथ हम करेंगे और दिखाएंगे कि इसी बट्स एक्ट के तहत तमाम लोगों का, तमाम ठगी पीड़ितों का धन वापस हो रहा है। ये सिद्ध करना भी हमारी ड्यूटी है साथियों। लेकिन चूंकि 12 मार्च को हमने दिल्ली के रामलीला मैदान में अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम मांगा है और सब कुछ पॉजिटिव है,
ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी भागीदारी इस कार्यक्रम में कितनी रहती है, कितने लोग अपना पैसा वापस पाना चाहते हैं व्हाट्स एक्ट के अंतर्गत। तो प्रधानमंत्री जी 12 मार्च 2024 को रामलीला मैदान आप सबको संबोधित करेंगे, मुखातिब होंगे, लेकिन आपके भी कुछ कर्तव्य हैं, आपको उन कर्तव्यों का निर्वहन करना है दोस्तों। और उस कार्यक्रम में आपको सबको आना है, तमाम मनभेद और मतभेद बुलाकर। FIR व्हाट्स एक्ट में कैसे होनी है, जो साथी ये चाहते हैं कि फ्री में हो जाए, निःशुल्क हो जाए, वो हमारी वेबसाइट तप जप TAPJAP.in पर जाकर के ले सकते हैं। उस पर डाल दिया है हमने आज अभी, वहां से आप व्हाट्स एक्ट के अंतर्गत FIR कैसे करवानी है, उसका मॉडल क्या होगा, ये मैंने डाल दिया है, वहां से जाकर के आप ले लें। अपनी अपनी FIR जरूर करवा दें ताकि आपके साथ ऐसी स्थिति पैदा न हो कि कोई सक्षम अधिकारी आपके दावे को इस ग्राउंड पर खारिज कर दे कि आपका मामला वर्ष 2019 से पूर्व का था। वर्ष 2019 से पूर्व का किसी का भी मामला नहीं है जिसका अब तक भुगतान नहीं हुआ है दोस्तों। इस बात को ध्यान रख लें, गांठ बांध लें। आप सबके मामले ताजे हैं, इसलिए सब लोग tapjap.in पर जाकर उस FIR का प्रारूप ले लें और अपनी अपनी FIR जरूर दर्ज करवा लें। बड़ा सरलता से हो रही है आजकल देश हो रहे। दूसरी बात साथियों, मैं बताना चाह रहा था आप सबको कि कुछ धूर्त किस्म के लोग और कुछ मूर्ख भी हैं, उनमें 1-2% ये चाहते हैं या ये कहते हैं या छींटाकशी करते हैं या आपको कहें तो एक तरह से प्रेरित करते हैं, बहलाते हैं, फुसलाते हैं या भड़काना भी कह सकते हैं कि ठगी पीड़ितों को किसानों की तरह आंदोलन करना चाहिए। तो साथियों, ऐसे धूर्तों के और मूर्खों के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है, अपनी स्थिति समझिए। वो एक कहावत है हमारे ब्रज में कि घोड़ी नाल ठोकवा रही थी तो मेंढकी ने भी पैर कर दिया, और जब वो नाल ठोकने वाले ने उसके वो हथौड़ी और नाल मारी तो उसकी आंतें भी बाहर निकल आई। तो अपनी स्थिति में और किसानों की स्थिति में अंतर महसूस करो। किसानों के पास अरबों खरबों रुपए की संपत्ति है, संसाधन हैं, लाखों लोग दिन और रात जुटे रहते हैं, गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद और कई राज्यों की सरकारें, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम धन पशु और तमाम मीडिया उनको कॉपरेट करता है, इसलिए उनका आंदोलन इतनी बड़ी हालात में दिखता है। तुम्हारे पास ना तो मनी है, आप तो 100 रुपये देने में भी, 100 रुपये तो खैर दूसरे लोग कहते हैं, मैं तो 1 रुपये की बात करता हूं, 1 रुपया देने में भी संकोच करते हैं, शर्म महसूस करते हैं, या आपकी पॉकेट में हाथ नहीं जाता वो 1 रुपया भी देने के लिए। तो आप सोचिए कि आप किसानों के समकक्ष आंदोलन कैसे कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे आप। इसलिए अपनी स्थिति में रहिए, और वैसा करना भी नहीं है हमको, क्योंकि वैसा आंदोलन कोई आंदोलन नहीं रहता है। इस तरह के भव्य आंदोलन सत्याग्रह के मार्ग से भटक जाते हैं, और हमारी अब सरकार से कोई लड़ाई भी नहीं है, क्योंकि सरकार ने हम सबको भुगतान की गारंटी का अधिकार दे दिया है, कानून बना करके दे दिया है। हमारा केवल इतना सा रह गया है, सरकार ये चाहती है, पूछती है, बताओ सब कहाँ कहाँ नहीं हो रहा है भुगतान, क्यों नहीं हो रहा है, कौन अधिकारी हैं जो अनियमित जमा योजनाएं, पाबंदी, कानून का अवहेलना कर रहे हैं, उनकी शिकायत करो, उनके खिलाफ एक्शन होगा, उनका विक्टिम्स का भुगतान होगा। तो जब ये लड़ाई खत्म हो गई, सरकार ने कानून बना दिया, हमें एक हथियार दे दिया, भुगतान की गारंटी का अधिकार दे दिया, तो अब बेवजह सरकार से हम किस लिए लड़े, क्यों लड़े, क्योंकि सरकार से हमें तो और कुछ लेने की इच्छा तो है नहीं कि हमें कोई टिकट चाहिए, भाई टिकट दे दो, MP बनना है, MLA बनना है, कुछ नहीं बनना है, न किसी आयोग का चेयरमैन बनना है, न कुछ। और हमारा तो सीधी सी बात है, सरकार से एक ही समझौता हुआ है हमारा कि आप इस कानून के अंतर्गत सबका भुगतान करा दें, जो भी आवेदन करें इस कानून के अंतर्गत, सबसे मतलब मेरा ये होता है कि जो आवेदन करेंगे उनका उनका भुगतान करा दें, उसके बदले हमारे लोग आपको वोट देंगे। तो जो आप 400 के पार की बात करते हो, हम 480 का दावा करते हैं कि हम 480 के पार आपको ले जाएंगे यदि आपने देश में अनियमित जमा योजनाएं, पाबंदी, कानून 2019 को लागू करके देश के इन करोड़ों आवेदक ठगी पीड़ितों का
भुगतान उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना 180 दिन में कर दिया। तो 2 से 3 गुना इसलिए बोलते हैं चूंकि सरकार ने कानून में लिखा है कि हम 2 से 3 गुना पैसा वापस करेंगे, 180 दिन में करेंगे, इसलिए दावे के साथ हम ये सारी बातें करते हैं दोस्तों। तो किसान आंदोलन से अपने आंदोलन की तुलना ना करें, बल्कि जो धूर्त आपको बहकाते हैं, भ्रमित करते हैं, उनसे कहें कि भैया 1 लाख रुपए सबसे पहले तू दे दे आंदोलन करने के लिए, तो जब दे देगा तो फिर उससे बात कर लेंगे, अन्यथा आप अपने आंदोलन को सत्याग्रह के मार्ग पर ही रखें, न्याय के मार्ग पर ही रखें। हमें न सरकार से कुछ चाहिए, न किसी पार्टी से कुछ चाहिए, हमें केवल इस कानून का क्रियान्वयन चाहिए और इस कानून के अंतर्गत अपने तमाम ठगी पीड़ित आवेदकों का भुगतान चाहिए और उसके बदले हमारे पास वोट की ताकत है वो हम सरकार को देंगे। इसमें कोई गोपनीय समझौता नहीं है, गोपनीय वार्ता नहीं है, सब कुछ क्लियर है दोस्तों। और मैं रहस्य रखता भी नहीं हूं, रहस्य के मैं तो बहुत खिलाफ हूं, बहुत सारी चीजों के मैं बहुत खिलाफ हूं। आप तमाम लोग जानते हैं कि मैं सैद्धांतिक रूप से किसी भी गलत बात का समर्थन नहीं कर सकता, अन्याय का कभी समर्थन नहीं कर सकता और न किसी के साथ स्वयं अन्याय करता हूं। सबको मेरी ये आदतें पता हैं दोस्तों। 12 मार्च 2024 को आप सबको राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में आना है। ये रामलीला मैदान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ठीक सामने है, दरियागंज में है, वहीं पर आना है। वहीं पर एक भव्य कार्यक्रम होगा, जो आंदोलन नहीं होगा, प्रधानमंत्री का अभिनंदन समारोह होगा, ताकि आपको आने में कहीं कोई दिक्कत ना हो। आप प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें और प्रधानमंत्री जी आप सबका भुगतान सुनिश्चित कराएं और उसके बदले हम आगामी लोकसभा चुनाव में, आम चुनाव में प्रधानमंत्री जी को 480 सीटें देंगे। ये 3 बातें हैं, इनको ध्यान रख लीजिए। आंदोलन वैसे भी सरकार अब दिल्ली में कोई होने नहीं दे रही है, ये भी ध्यान रखना। जो लोग आपको भड़का रहे हैं कि साहब दिल्ली में 26 फरवरी को आंदोलन करेंगे हम, दिल्ली में जाके कोई मत आना, कोई ऐसा आंदोलन दिल्ली में नहीं हो सकेगा, धारा 144 लगी हुई है, बहुत सख्त इंतजाम है। और ऐसे लोगों के लिए तो खास तौर से सरकार बहुत क्रोध में है कि जो गलत बातों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं या जो ठग किस्म के लोग हैं सरकार को बदनाम करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उनके खिलाफ तो निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई होगी। और मैं नहीं चाहता हमारे किसी ठगी पीड़ित के साथ कोई सख्त कार्रवाई हो तो केवल और केवल उनका भुगतान हो। तो कल समय मिला तो कल पुनः आपके साथ वीडियो संदेश के माध्यम से मिलूंगा। तब तक मैं अपने तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के साथियों से आग्रह करूंगा कि वो घर घर जाएं, निवेशकों तक अपनी बात पहुंचाएं, सहारा वाले पीएसीएल वालों के साथ पास जाएं, पीएसीएल वाले सहारा वालों के, रोज वैली वाले केबीसीएल वालों के, केबीसीएल वाले साई प्रसाद वालों के, साई प्रसाद वाले समृद्धा जीवन वालों के, समृद्धा जीवन बाइक बोट वालों के, इस तरह से अपने क्षेत्र को बांट लें और एक हस्ताक्षर अभियान चलाएं, ताकि हम 12 मार्च को कई करोड़ ठगी पीड़ितों के हस्ताक्षरों का पुलिंदा माननीय प्रधानमंत्री जी को समर्पित करके इस विषय की गंभीरता से उनको परिचित करा सकें, आप सबका भुगतान सुनिश्चित करा सकें। तो मिलते हैं कल दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।